मध्य प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से, जी हां, 14 दिवसीय होगा ये विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी कार्यवाही। राज्यपाल जो अभिभाषण के बाद सरकार की उपलब्धियां इससे अपने अभिभाषण में गिनाएंगी, उसके बाद बजट की कार्रवाई शुरू होगी। 1 मार्च को बजट पेश करेगी शिवराज सरकार। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। चुनाव के मद्देनजर पेश होगा ये बजट, मध्य प्रदेश का ये बजट। इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा लोक लुभावन वाला ये बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव है, तो ऐसे में सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी इस बजट के माध्यम से। आपको बताते चलें, कल से 14 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और उसके बाद 1 मार्च को बजट पेश करेगी शिवराज सरकार। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा यह बजट पेश किया जाएगा। लोक लुभावन वाला बजट ये हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में शिवराज सरकार हर एक वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। देखने वाली ये बात होगी कि आखिर महंगाई पर क्या असर पड़ता है, क्या महंगाई कम होती है या नहीं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिले, क्या चीज महंगी होगी, क्या चीज सस्ती होगी, क्योंकि महंगाई में या पेट्रोल डीजल में क्या कुछ राहत जनता को दी जाएगी। इस बजट से काफी लोगों को उम्मीदें भी हैं।